नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप कहीं भी किसी भी गांव शहर से देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रोजगार की बात करें तो दुनिया बदल रही है और आपको ये पता चले तब तक दुनिया काफ़ी आगे चले जाए तो ऐसे लोग ही पीछे छूट जाते हैं। हाथों की हुनर से ही लोग कमाते हैं, जिसकी पहले बहुत मांग थी, लेकिन अब हाथों के साथ साथ आपके कुछ ऐसे डिजिटल हुनर की मांग होने लगी है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। जी हाँ, पूरा कंप्लीट डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स आप सरकारी वेबसाइट पे जाकर इनरोल करके फ्री में सीख सकते हैं। जी हाँ, आपकी एजुकेशन एकदम मिनिमम है तब भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स सीख सकते हैं। वैसे डिजिटल में बहुत सारे कोर्स है, लेकिन ये कोर्स पॉपुलर कोर्स है और ये मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी इस कोर्स को करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे आज के समय की बात करें तो इंटरनेशनली लोग पैसे कमाते हैं, यानी इंडिया में रह के लोग लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का जॉब कर लेते हैं, क्योंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे और भी डिजिटल कोर्स है जो कि ऑनलाइन आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है इसकी जानकारी, और अच्छी बात तो यह भी है कि आपको उस कोर्स का रिटेन में असाइनमेंट भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बेहतर जानकारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम का वीडियोज है, यानी आप या तो इंग्लिश वाले कोर्स कर सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा, या फिर हिंदी वाले कोर्स जो कि हिंदी मीडियम में होगा, इनरोल करके आसानी से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपके पूरे कोर्स में कैसे इनरोल करना है, कौन से वेबसाइट पर जाना है, कैसे सर्टिफिकेट लेना है, फाइनल आज के इस वीडियो में हम अंत तक बताएंगे। तो दोस्तों, किसी बात की विशेष जानकारी के लिए थोड़ा सा वीडियो यदि लंबा होता है तो आपको देखना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको केवल जानकारी ही दूँ, जो बेहतर जानकारी है उसी को मैं आपके सामने लाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों, जैसे कि पता है कि हर एक वो जानकारी जो आपके जरूरत की है हमारे चैनल सपोर्ट फॉर सक्सेस 24 के माध्यम से हमेशा आपके लिए लाई जाती है। तो आप इस चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हैं तो आप इसका मेंबर बन जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कम समय और कंप्लीट वीडियो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा इस कोर्स को करने से संबंधित, पूरी बात बताएंगे इस वीडियो में। यहाँ पे कोर्सेज जो आप देख रहे हैं, हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स करना है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में है सबको। जैसे फ्री हिंदी वाले पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले कोर्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्टर आईटी है, लैंग्वेज हिंदी, कोर्स प्राइस फ्री है। इसकी डिटेल्स आप कोर्स इन्फॉर्मेशन में आगे देख सकते हैं। कोर्स नेम डोमेस्टिक एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, लैंग्वेज हिंदी। कोर्स का ड्यूरेशन 20 घंटे का है, आईटी सेक्टर की कोर्स है, एसएससी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें वैलिड। आपकी प्राइजिंग फ्री है, आप जो एबिलिटी है ये अलग अलग ड्यूरेशन टाइम की वीडियो है, आप फुल टाइम एक्सेस में इसको देख सकते हैं। सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, आपकी इसकी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। कोर्स का असाइनमेंट एंड नॉलेज पार्टनर ये भी आपको अवेलेबल है, बहुत ही बड़ी बात है, आपके कोर्स के साथ साथ असाइनमेंट मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है। 9th वाले मिनिमम क्वालिफिकेशन लोग इसको कर सकते हैं इस कोर्स को। यहाँ पे आप कोर्स को करने के लिए एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, देन अपना आईडी पासवर्ड क्लिक करके कैप्चा फिल करके लॉग इन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पे यूजर आईडी बनाना है। दोस्तों, ई स्किल इंडिया पे ये तमाम जितने भी कोर्स आपको है वो सबको करने के लिए तो आपको सबसे पहले अपना एक यूजर होना चाहिए। इसके लिए राइट साइड में आप देख पा रहे हैं साइन अप की ऑप्शन है, इस पे कर्सर या फिर मोबाइल में कर रहे हैं तो साइन अप पे आप जाके यूजर पे क्लिक करेंगे तो न्यू यूजर वाला जो इंटरफेस आएगा वहां से आप फ्रेश एक न्यू यूजर आईडी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले बता दूं कि आपको इस साइट पे आने के लिए गूगल में सर्च करना है ई स्किल इंडिया। जी हाँ, ये सर्च करते ही आपको गूगल इसकी डोमेन सजेस्ट करेगा फर्स्ट में ही, eskillindia.org, यही ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके एस पे आ जाना है। उसके बाद फ्रेश से राइट साइड में वही साइन अप और यूजर की जो ऑप्शन मिलेगा उस यूजर पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में भाई न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा और इस तरह के फॉर्म को आसानी से फिल कर ले। बस इसको फिल करने के लिए आपको आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर और बर्थ ऑफ ईयर, केवल आपके ईयर सेलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन से,
आपकी स्टेट इस ऑप्शन में मिल जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे। अपने अनुसार एक पासवर्ड बना लेंगे जो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर के होंगे, उसको दो बार दोनों बॉक्स में एंटर कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अमित नाम से बनाते हैं तो amit@123 कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और फिर डिजिट, ये सब का यूज होना चाहिए। उसके बाद में आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ NSDC पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए सारे को फिल करके हम नेक्स्ट करके क्लिक करके लाइव दिखाते हैं। यहाँ पे फिल करने के बाद में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर प्रेजेंट में एक्टिव है कि नहीं है, इसलिए वेरीफाई करना होता है। तो मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई करना होगा। एंटर करने के बाद में आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे OTP आके वो वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, आप OTP को फिल करके फिर वेरीफाई कर देंगे, वो वेरीफाई ले लेगा। फिक्र मत करेंगे, थोड़ा समय भी लग सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाइड हो चुका। अब वेरीफाई करना है ईमेल आईडी, क्योंकि ये दोनों ही वेरीफाइड करना मैंडेटरी है। चलिए यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दिए, थोड़ा वेट करेंगे फिर आएगा वो बॉक्स, उसमें हम OTP को फिल करेंगे। हमारे ईमेल पे प्राप्त OTP को हमने इसमें एंटर कर दिया और फिर वेरीफाई कर देंगे, ईमेल आईडी भी वेरीफाइड हो गया। इससे हुआ क्या कि हमारे पास एक्टिव है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही। और यहाँ पे अब हम कर देंगे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, प्लीज़ एंटर लॉगिन डिटेल्स। आप सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब लॉगिन करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं, अब आसानी से अपना ईमेल आईडी या फिर दिए गए मोबाइल नंबर को इसमें एंटर करेंगे और अपना जो पासवर्ड बनाए थे इसमें एंटर करके कैप्चा क्लिक करके अब लॉगिन कर लेते। फाइनली मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ, मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ यहाँ पे एम नो ड्रॉपर पर टिक करके लॉगिन कर देते हैं। अब लॉगिन होने के उपरांत आप कोई सा भी कोर्स फ्री में कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से। तो आपका ये लॉगिन हो चुका, आपका डैशबोर्ड दिखाएगा, आपका प्रोफाइल दिखाएगा, आपका कोर्स दिखाएगा, यानी सब कुछ जो जो आप एंटर किए रहेंगे आपके प्रोफाइल पे रहेगा। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स इसमें देख सकते हैं, टॉप कोर्सेज में या फिर पॉपुलर कोर्सेज में, या फिर आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स एक पॉपुलर कोर्सेज है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे पॉपुलर वाले सेक्शन में जो जो पॉपुलर कोर्स है वहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश। तो हिंदी में करना है हमें तो हिंदी वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आता है, आपको क्या करना है। तो अब आसानी से आप इनरोल कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही लॉग इन है इस पेज पे। तो यहाँ पे अब आपका आएगा यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट नॉलेज पार्टनर पोर्टल, यानी जिस पार्टनर से ये कोर्स परचेज किया हुआ है स्किल इंडिया ने फ्री में आपको दे रहा है, तो आपको वहाँ पे ये भेजेगा। ओके कर देंगे, आपको नेक्स्ट टैब पे नेक्स्ट पेज पे ये ट्रांसफ़र कर देगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं DO मॉड्यूल 1 पे क्लिक करके हम देखते हैं। आप इसको एंटर कर लेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट पेज प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कोर्स प्ले होने लगेगा, पूरा लिखी हुई बात भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कि बहुत ही आसान तरीका से ये मॉड्यूल बनाया गया है, हर एक कोई आसानी से खूब ही एकदम सीरियल से आपको सब कुछ यहाँ पे सुनने को मिलेगा। ये मॉड्यूल फर्स्ट है, कुछ इंट्रोडक्शन मिलेगा, आप चाहे तो इसको नेक्स्ट या फिर बैक कर करके आप जो पेज पे चाहे बैक आ सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, ऐसे आप आसानी से सीख सकते हैं यहाँ पे। IT उद्योग डेटा एंट्री ऑप, तो आइए पुनः इसकी एक बार पुनर्वृत्ति कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे ई-स्किल इंडिया, सर्च करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका डायरेक्ट पोर्टल आएगा, वहां से आपका कोर्स दिखेगा। यहां पे ऐसा इंटरफेस आने के बाद में आप फिर देख रहे हैं साइन इन का ऑप्शन है, इस पे साइन इन पे क्लिक कर दिए। अब यहां पे देखिए हमारा आईडी पासवर्ड सेव है, हम इसको कर लेते हैं साइन इन। साइन इन करने के बाद में फाइनली आप देख सकते हैं हमारा पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, इनरोल्ड एक कोर्स में इनरोल्ड है, आउटगोइंग कोर्स एक है, कंप्लीट कोर्स अभी मैंने नहीं किया है, बुकमार्क कोर्स है, यानी कि आपके कोर्स का पूरा डिटेल्स आप कैसे कैसे ये पूरा और भी कोर्स दिखाएगा, आप डिटेल्स कर सकते हैं। आपको अपने कोर्स में जाने के लिए माई कोर्स वाले ऑप्शन में जाना होगा, वहाँ से इनरोल्ड कोर्स पर जाके आप पुनः आप उस कोर्स को जाके कंटिन्यू सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनरोल्ड कोर्स आ गया, आप देख सकते हैं 57% मैंने सीखा है। फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टैब में जाके उस जगह पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे मॉड्यूल वाइज कर करके हम सीख सकते हैं। देखिए ये टिक मैंने बिना सीखे ही लगा रखी है, ये है कि आप जब पूरे मॉड्यूल को सीख जाएंगे तो आप सब पे टिक करके और नीचे ये सर्टिफिकेट है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।
ये पूरी चीज़ असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। व्यू सर्टिफिकेट करके आप देख भी सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट आपको आपके नाम के साथ, आपका इनरोलमेंट आईडी के साथ, जिस डेट को इश्यू हुआ वो डेट और यहाँ पे हस्ताक्षर के साथ आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप इसको आसानी से ऐसे डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे कार्ड पे, पेपर पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप जान गए होंगे कैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स फ्री में करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इनरोल कर सकते हैं। मैंने लैपटॉप स्क्रीन पे बताया, सेम प्रोसेस आप मोबाइल में कर सकते हैं। फिर भी आपकी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर देंगे, हो सके तो मैं मोबाइल पे भी एक छोटी सी वीडियो लाइव करके बता दूंगा तुरंत ही, बहुत ही कम समय का, तो आपके लिए वो भी कर दूंगा। लेकिन यदि आपको परेशानी होती है तो ही मैं ऐसा करूंगा। चलिए लेंगे विदा आज के इस वीडियो में, फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।